लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। हल्दीराम परिवार की ओर से सभी भंडारा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भंडारा जिला मुख्यालय होकर यहां भंडारा रोड रेलवे स्थानक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में आता है। इतवारी से बिलासपुर रूट पर भंडारा रोड रेलवे स्थानक आता है। बिलासपुर से छूटने वाली अनेक यात्रियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का भंडारा रोड में स्टॉपेज नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी दीपावली पर्व पर घूमने जाने तथा दूसरे राज्य में परिजनों से मिलने वाले यात्रियों को नागपुर जाकर रेल पकड़नी पड़ रही है। जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होने की बात प्रतिदिन यात्रा करने वाले भंडारा जिले के यात्रियों द्वारा की जाती है। कोई भी नई हावड़ा या बिलासपुर से छूटने वाली गाड़ी का स्टॉपेज छत्तीसगढ़ से भिलाई दुर्ग राजनांदगांव डोंगरगढ़ की दूरी कम होने पर भी उस जगह स्टॉपेज दिए गए है। ट्रेन महाराष्ट्र में दाखिल होते ही गोंदिया इतवारी नागपुर में स्टॉपेज दिया जाता है, किंतु तुमसर भंडारा रोड एवं कामठी को बिलासपुर जोन भंडारा रोड स्थानक को महत्व नहीं देने का दिखाई दे रहा है। आज भंडारा जिले की जनसंख्या 15 लाख होकर जिले में एक में वह भंडारा रोड रेलवे स्थानक होकर जिले में भंडारा मोहाड़ी लाखनी साकोली लाखांदूर तुमसर पौनी या 7 तहसील होने के बावजूद भी 30 से 35 गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं होने से यात्रियों को नागपुर या गोंदिया से यात्रा करनी पड़ती है। इन गाड़ियों का 2 मिनट स्टॉपेज मिलने पर जिले के यात्रियों की सुविधा होगी, किंतु भंडारा जिले के यात्रियों ने मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद सुनील मेंढे की ओर मांग की है कि शीघ्र भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में सुपर फास्ट अनेक महत्व की गाड़ियां एवं अन्य गाड़ियों का स्टॉपेज देकर समस्या का निराकरण करें।